नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में शामिल आरोपी मृतक अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खुशी की जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जनवरी में जमानत अर्जी को दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने शुक्रवार को जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको ज्ञात होगा कि पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी को भी आरोपित बताया था, जिस पर साजिश में शामिल होने और हमलावरों को पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि बाद में स्थानीय अदालत में हुई बहस के बाद अमर दुबे की पत्नी को नाबालिग घोषित कर दिया गया था और इस समय वह बाराबंकी के नारी संरक्षण गृह में बंद है। अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र ने आरोपित की ओर से बहस की थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा था। प्रभा शंकर मिश्र का कहना था कि याची पूरी तरह बेगुनाह है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर खुशी की जमानत को लेकर पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब वह फैसले के खिलाफ हायर बेंच में अपील करेंगे। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।